Humans, what have you learned? हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यार, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं सासाराम के मोस्ट ब्यूटीफुल हिडन प्लेस। जी हाँ दोस्तों, और अभी है ना, खैर मतलब वो प्लेस के बारे में उतना को नहीं जानता है। इधर तो जो है जो बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, जो जैसे टेम्पल हो गया, टूरिस्ट प्लेस हो गया, माता रानी चंडी मंदिर, और क्या बोलते हैं धुआं कुंड और तुतला भवानी, सब ऐसे हर एक कोई जानता है। बट ये जो हिडन प्लेस है ना, बहुत ही इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको उसी को दिखाने वाले हैं। वीडियो तक बने रहेगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम लोग हैं यहाँ पे, देखिए मतलब हिडन प्लेस कहने का मतलब है ना कि बहुत बहुत ही खूबसूरत जगह है। और वहाँ क्या होती थी कि पहले, आज से तकरीबन 25-30 साल पहले वहाँ पे माइनिंग हुआ करती थी, स्टोन माइनिंग हुआ करती थी। तो उसी का ये जब हुआ करती थी तो उसी समय का ये घर बनाया हुआ है। देखिए तो उसी समय का ये देखिए घर है जिस समय माइनिंग चल रहा था। और अभी हम लोग हैं यहाँ पे सासाराम से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो और इसके बारे में कम ही लोगों के मालूम है, हम आपको बताएं ही। देखिए, और उस समय काफ़ी मशीन उशीन जो हुआ करती थी वो सब अभी कुछ नहीं है। बट अभी सिर्फ है ना, आपको देखने को मिलेगा क्या बोलते हैं ये सब पुराने पुराने बिल्डिंगे घर आपको। तो अभी बहुत जगह दूर में है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए ये रास्ता है, तो अभी वहीं पे रुके थे, तो हम सोचे कि आपको भी दिखा देते हैं और बता देते हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहेगा और चलते हैं कुछ ही देर में वहाँ पे जहाँ पे माइनिंग हुआ है। तो यार फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं स्टोन माइनिंग के जगह पर। यहाँ पे देख सकते हैं यार कितना, यार मतलब क्या बोले, इतना भयानक है। हम लोग तो अभी ऊपर साइड में है, वहाँ पे देखे ना कि जैसे एक खराब रास्ता था, बट उतना खराब नहीं था। वहाँ पे देख रहे हैं ना कि कैसे है, वहाँ पे वैसा ही था, उससे मतलब हल्का कम गाढ़ा था। और वहाँ पे पत्थर बिछा हुआ था, चूंकि यहाँ पे है ना कि कुछ आते हैं आदमी वगैरह, इसीलिए साफ है कुछ। और उधर बहुत सारा सामान वगैरह भी फेंका हुआ था, तो उसी से हम लोग जानेंगे कि आदमी का आना जाना रहता है इधर बहुत सारे। और यहाँ पे बोल रहे थे कि हाँ आदमी तो जाते हैं ऊपर साइड में जाते हैं। देखिए ये है टॉप फ्लोर, वहाँ पे देखिए सबसे ऊपर साइड में है। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर साइड में और वहाँ भी आपको दिखाएंगे। और देखिए यार कितना भयानक है यार, हम तो यार मतलब सोचे भी नहीं थे कि यार इतना भयानक होगा जगह वो जहाँ पे स्टोन माइनिंग हुआ है। देखिए यार कितना मतलब इसका, देखिए खाई पहले देखिए कितना है, देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक है। और भयानक के साथ साथ है कि क्या है कि यहाँ पे जब 25-30 साल पहले माइनिंग हुआ करती थी तो यार देखिए कितना बड़ा था ये, जो कितना बड़ा ये फैक्ट्री होगा उस समय का। देखिए वहाँ पे देखिए ये जो आप हाइट देख रहे हैं ना, यही एक मेन रास्ता है, मतलब इस पर ऊपर सबसे चढ़ने के लिए यही मेन रास्ता है, और बाकी कहीं नहीं है सबसे ऊपर जाने के लिए, सिर्फ एक ही है और ये है मेन रोड साइड से तरफ से। बाकी देखिए हर एक जगह से जो है अंदर सिर्फ नीचे साइड में जाने के लिए रास्ता है। देखिए वहाँ से भी आइएगा तो आप ऐसे ऐसे करते करते नीचे तक जाइएगा। देखिए यहाँ पर नीचे जाइएगा, वैसे वैसे करके वहाँ जाइएगा, और इधर देखिए इधर भी सेम वैसे ही है। अगर वहां से आप चलिएगा तो ऐसे ऐसे करके इसमें आइएगा, देखिए यहाँ पे भी है, इसमें आइएगा और वैसे वैसे करके उसमें जाएगा। सिर्फ एक यही रास्ता है जो सबसे ऊपर साइड में ले जाता है, और बाकी कोई रास्ता नहीं है। और ये जो आपको हम बताए कि ये जो सेंटर में है सबसे, इसके चारों डायरेक्शन में पूरा यार गोले गोले है ना, कि हर एक जगह माइनिंग हुआ है। देखिए ऐसा ही जैसे ये पूरा, देखिए यार कितना भयानक दिख रहा है, देख लीजिए। उस समय 25-30 साल पहले कौन सा मशीन लगा होगा यार, इतना भयानक ना पूरा पत्थर को काटते गया, समझिए। और ये तो कुछ नहीं यार, देखिए यहाँ पे देखिए ये यार इतना मतलब हेवी दिखा रहा है ना, अलग मतलब पूरा दूर से ही डरावना दिखा रहा है। देखिए कैसा लग रहा है कि वहाँ पे एकदम पूरा प्लास्टर वगैरह किया गया, सेम वैसा ही दिख रहा है, दूर से ही यार डर लग रहा है, बताइए हम लोग को। तो अभी कुछ नहीं, अभी चलते हैं सबसे टॉप फ्लोर पर, फिर आपको दिखाते हैं। और एक बात और है, यहाँ पे आना कैसे है हम बताते हैं आपको। जो सासाराम रेलवे स्टेशन है, सासाराम रेलवे स्टेशन से तकरीबन ये जगह 12-13 किलोमीटर की दूरी पर। तो सबसे फर्स्ट में आपको आना है सासाराम रेलवे स्टेशन। और ऐसे तो ये जो पूर्ण रूप से जगह जो है स्थापित है यहाँ पे करवंदिया, ठीक है, लेकिन करवंदिया उतना कोई नहीं जानता है, सासाराम को बहुत सारे जानते हैं, इसलिए हम सासाराम से बात करते हैं। सासाराम से सबसे फर्स्ट में आप रेलवे स्टेशन और वहाँ से आपको आना है स्टैंड में, और स्टैंड से आप बोलेगा कि हमको जाना है तालाब पर,
और तालाब पर से फिर आइएगा, एक एक गांव का नाम है बासा, और बासा गांव से जस्ट वहाँ 1 किलोमीटर आगे एक है, मतलब बांसे गांव में ही पेट्रोल पंप है। तो पेट्रोल पंप को फर्स्ट जैसे ही मतलब तालाब पर से पहला जो पेट्रोल पंप है उसको क्रॉस नहीं होना। पेट्रोल पंप से जस्ट 100 मीटर पीछे से ही एक राइट साइड में रास्ता गया है, जो वही रास्ता यहाँ पे आपको स्टोन माइंस के पास चलाएगा, यही है। तो चलिए अभी कैसे जैसे तैसे करके ऊपर साइड में चलते हैं, और वहाँ पे देखिए एक रूम बनाया गया है। और यार तो आप जानते हैं कि हम लोग के यार पुराना पुराना जगह देखने में और इंटरेस्ट लगता है, तो चलिए सबसे ऊपर साइड में दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, देखिए यहाँ पे इसी के बारे में बोल रहे थे, ये छोटा सा है ना मकान टाइप के, इसी के यहाँ पे आने के लिए हम लोग बोल रहे थे आपको, देखिए कैसा है। और यहाँ पे देखिए ये है ना सिर्फ, आप देखिए यहाँ पे किस चीज़ से बना है, नज़दीक से आपको दिखाता है, देखिए सिर्फ पत्थर से बना हुआ है। और ऊपर साइड शायद ऊपर साइड में था कि नहीं था, ऐसे मतलब उड़ गया पता नहीं है, देखिए यार देखिए कितना है भी है। और इसका यार चौड़ाई देखिए, हम लोग सोचे कि यार खूब से खूब होगा 15 फीट, क्या बोलते हैं 15 इंच के लमसम, यार देखिए कितना है 35 इंच के लमसम है यार। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर साइड में देखिए कैसा, और ऊपर साइड से ये खुला था कि मतलब ढाका हुआ था पता नहीं है हमको कि ढाका था कि खुला था अभी, बट यहाँ पे देखिए खुला है हमारे हिसाब से ना कि ये था ढका हुआ था। अभी देखिए यहाँ पे ये जो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक लकड़ी है और यहाँ भी लकड़ी है, ऊपर साइड में देखिए लकड़ी होगा बट टूट टूट गया होगा, यहाँ पे देखिए टूट गया ऊपर साइड से, बट बहुत अच्छा था और ढाका हुआ था, बारिश वरिश होता है कितना भी होके, इतना यार मोटा दीवाल है, इससे मोटा दीवाल यार हम कहीं भी नहीं देखे, यहाँ तक कि शेर शाह सूरी का मकबरा भी है ना इतना चौड़ा नहीं है उसका दीवार, वहाँ पे 25 इंच के लमसम में है जंजी, और ये यार 40 इंच के चौड़ाइया है इसका, इतना मोटा जंजी। और ये बना गया है सबसे ऊपर साइड में, और इससे और ऊपर साइड में एक जगह है, अभी हम लोग एकदम पूरा सेंटर में है जो है ना ये माइनिंग्स, इसको बोलते हैं, इसका ओरिजिनल नाम है कैमूर हिल्स, इसका आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा ना कैमूर हिल्स के, मतलब हम बोल रहे थे अपने अनुसार से बोल रहे थे कि सासाराम में मोस्ट हिडन प्लेस या ब्यूटीफुल हिडन प्लेस, वहां पे आपको चल के दिखाते हैं, बट इसका ओरिजिनल नेम है कैमूर हिल्स, डेंजरस प्लेस हम लोग जहाँ पे आए हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल अब नहीं डेंजरस बोलिए, समझिए देखिए कैसा है देखिए। और वहां पे नीचे साइड में कुछ बंदे लोग नहा रहे हैं, वहां पे देख लीजिए यार, मतलब गजब का है यार, पूरा भयानक और डरावना यार, ऐसे मतलब हम लोग तो आज तक देखे थे कि ऐसे ऐसे जगह सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, और देखे भी थे हम लोग ऐसे ऐसे जगह ना यार फिल्म शूट होता है ऐसे ही इस जगह पर, पूरा डेंजरस जगह पर, और उतना दिन से यार हम तो सिर्फ फिल्म में ही देखे थे, बट आज रियल में देख ले, और वो भी अपना ससुराल में ही, और आपको भी दिखा दी। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए अभी दोस्तों यार हम लोग फाइनली नीचे साइड में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना यार डरावना जगह है, आपको दिखाई फर्स्ट टाइम में, और अभी जस्ट ऊपर चढ़ जा रहे हैं, आते आते देखिए यार गर्मी पूरा लगने लगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आपको दिखाते हैं। और जितना ऊपर साइड में हम लोग चढ़ रहे थे तो ऊपर साइड से उतना भयानक नहीं दिख रहा था अभी, बट यहाँ से देखिए यार कितना पूरा डरावना दिख रहा है, देखिए यही है यार कैमूर हिल्स, जो यहाँ पे माइनिंग हुआ करती थी 25 साल पहले, देखिए कितना हैवी है। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको पूरा बारीकी से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। What have you learned?
तो दोस्तों यहाँ की आपको सारा चीज़ दिखा दिए, कैमूर हिल से ऊपर चढ़ के भी और नीचे साइड से भी दिखा दी कि यार कितना ये मतलब डेंजरस है। और आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आइए, काफ़ी लोग आते हैं। और यहाँ पे जस्ट आपको दिखा है कि यहाँ पे कुछ गाना शूटिंग हो रहा था, अब पता नहीं कौन था, इंस्टा के लिए शूट करा था कि ऐसे ओरिजिनल ऑडियो पर शूट करा था पता नहीं। हाँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं और ये तो फर्स्ट वाला था। ऐसे ऐसे मतलब अंदर साइड में जाने के लिए 3-4 जगह से रास्ता है, वहाँ पे भी दिखे है और वहाँ पे भी है। ऐसे ऐसे नीचे साइड में तो हर एक जगह जहाँ से भी जाने का रास्ता है ना, वहाँ पे नीचे साइड में बहुत सारे बंदे लोग रहते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत जगह जाने का रास्ता है। तो उतना हम लोग भी गौर नहीं किया, आपको यहीं से सिर्फ दिखा दें कि यहाँ कैसा था, आप देख लिए ये। और इसका ओरिजिनल नाम है कैमूर हिल्स। अगर आप यहाँ पे आना चाहिए तो हम बताएंगे कि आपको यहाँ पे कैसा ना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।